एवरीवन, नमस्कार सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हैं कि अभी हम रेडी हो चुके हैं और तैयार होके हम जा रहे हैं घूमने के लिए। अरे कि मैं अकेली घूमने नहीं जा रही, आप लोगों को भी लेकर जा रही हूँ। तो आज हम घूमने जा रहे हैं मेला, तो जोधपुर में रावण के चबूतरे पर लगा हुआ है हस्तशिल्प मेला 2023। और बोल रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छा मेला लगा है। मैंने अपने फ्रेंड्स के जो मेरे फ्रेंड्स हैं और उनके जो व्हाट्सएप पर मैंने देखा है कि कई टाइम से बहुत लोगों के स्टेटस लग रहे हैं इस मेले की, और नाइट व्यू तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अभी हम सुबह सुबह मॉर्निंग में ही जा रहे हैं ताकि भीड़ कम होगी। और इस मेले का जो अट्रैक्शन पॉइंट है, आपको पता है मेले में खाना पीना और झूले और स्टॉल्स होती है, लेकिन इस मेले की खास बात कुछ और ही है। इस मेले का जो अट्रैक्शन है वो क्या है वो तो मैं नहीं बताऊंगी अभी, क्योंकि सब कुछ मैं अभी बता दूंगी। तो आप क्या देखेंगे वीडियो में और आप क्या घूमेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि इस मेले की खास बात क्या है, क्या अट्रैक्शन है कि इस बार जोधपुर वासी इस मेले को बहुत एंजॉय कर रहे हैं और वही हम भी करने जा रहे हैं। तो चलिए इस मेले को एक्सप्लोर करते हैं आप और हम मिल के। तो चलिए फटाफट से, देरी किस बात की, तो चलिए मिलते हैं सीधे मेले में। और ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, एंड कमेंट जरूर छोड़ना एक बार कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट जरूर छोड़ना एक बार, मुझे कमेंट से पता चलेगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट सीधे मेले में मिलते हैं। तो पहुंच गए हैं मेला, ये है रावण का चबूतरा और यहाँ पर लगा है मेला। तो चलिए चलते हैं अंदर, इस मेले को एक्सप्लोर करते हैं, खूब पूरा मेला घूमते अच्छे से एंजॉय करते हैं। और स्टार्टिंग में यहाँ खान पान सेंटर था और कुछ स्टॉल्स यहाँ पे बंद है क्योंकि हम जल्दी आ गए थे, मतलब मॉर्निंग में, ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। और आज मेले का लास्ट डे था और जिस अट्रैक्शन की मैं बात कर रही थी वो आपको सामने दिख ही रहे होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा पास से बताऊँगी, एक बार पूरा व्यू बता दूँगी। एक साइड है, दूसरी साइड में मेला है, इसी तरह से लगा हुआ है, बहुत सारे स्टॉल लगे, मतलब हर सामान यहाँ पे मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेले का अट्रैक्शन था वो ये है, भोलेनाथ की मूर्ति जो बनाई गई थी वेस्ट मटेरियल से। और जब रात में जो इसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें लाइटिंग की हुई थी, इसी तरह से और बहुत है मेले के खास चीज़ें देखने के लिए, तो वो तो आप पूरा वीडियो देखोगे तब आपको पता चल ही जाएगा। तो अभी ये सारी जो स्टॉल्स हैं ये घूमते हैं और इस पूरे मेले को एंजॉय करते हैं। तो आप भी इस वीडियो को एंड मेले को एंजॉय कीजिए। स्टॉल घूमते घूमते हमें इस स्टॉल पे आए। इस स्टॉल पे ये गुड़िया बहुत ही अच्छी लगी थी, मैं दूर से ये कलरफुल डॉल इतनी अच्छी लग रही थी, ये टॉयज़ की दुकान थी और बहुत ही अच्छी लग रही। आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि ये डॉल आपको कैसी लग रही है। फिर ये देखते हुए हम आगे स्टॉल पे बढ़ गए, यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ की ये स्टॉल थी और धीरे धीरे हम आगे सारे स्टॉल्स घूम रहे थे। और ये हम आए थे एक अजमेर से ये आए थे जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाई थी, और यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कुर्तीज़ का कलेक्शन था। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टॉल पे बढ़ गए और बहुत ही प्यार प्यारा कलेक्शन था, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं हमको लगा कि थोड़ा महंगा था। उसके बाद हम ये बर्तनों की दुकान पे आ गए, वे घूमते घूमते सारी शॉप देखी। ये जो स्टॉल लगाई थी ये असम से आए थे और यहाँ पर बैम्बू का जो कलेक्शन था बहुत अच्छा था, यहाँ के लैम्प और बैम्बू से बनी हुई आइटम्स थी और ये बहुत ही प्यारा था, सब कुछ हैंडमेड था, हमारे सामने हाथ से बना भी रहे थे। ये वाली स्टॉल जो थी ये पूरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ये, और उसके बाद में ये देखा स्टॉल घूमते घूमते हम आ गए थे झूले वाले सेक्शन में, यहाँ पे सारे झूले लगे थे, इतने सारे झूले थे। और उसके बाद झूले के पास में मिट्टी के बर्तन और ये खिलौने की पूरा बना हुआ था, स्टॉल लगी हुई थी, तो इसके अंदर सारे खिलौने और मिट्टी के बर्तन मिट्टी के आइटम्स मिल रही थी। और इनका जो कलेक्शन था बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड बहुत ही सही रेट में था। यहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें आइटम पसंद आई, लेकिन यहाँ से ले जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारी गाड़ी जो थी वो बहुत दूर खड़ी रखी थी, भीड़ बहुत थी,
इस वजह से, क्योंकि संडे भी था और मेले का लास्ट डे भी था, तो यहाँ चीज़ें पसंद आई थी एंड सही प्राइस भी कर रहे थे, और लेकिन क्या करें कि मैं यहाँ से कुछ भी परचेज़ नहीं कर पाई। तो आप ये एक बार पूरा देखिए, मिट्टी के बर्तनों का जो इनका कलेक्शन था बहुत अच्छा था, और गार्डन को आप अच्छी तरह से इन चीज़ों से डेकोरेट कर सकते थे और सही रेट में दे रहे थे। तो आप ये एक बार घूमिए और फिर आगे हम स्टॉल पर चलेंगे। मुझे तो यहाँ पे बहुत पसंद आई है सारे आइटम। अब आप लोग बताइए कि आपको इनका कलेक्शन कैसा लगा, तो कमेंट करना। उसके बाद आ गए हम झूले झूलने के लिए। तो जब हम झूले में बैठे तो ऊपर से जो व्यू है मेले का वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके अलावा ऊपर से जोधपुर का जो स्टेडियम है वो भी दिख रहा था, और पास की जो रोड थी वो भी बहुत अच्छी दिख रही थी। मैंने ट्राई किया कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो लूँ, यहाँ पर कैप्चर करूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं था, बहुत हाथ से हो रहा था। फिर भी मैंने ट्राई किया आप लोगों के लिए, तो जहाँ तक मैं ले पाई उतना लिया ऊपर से पूरा व्यू, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम झूला झूल के एंजॉय करते हैं, और आप ये पूरा व्लॉग देखकर एंजॉय करिए, आप बैठे बैठे ही झूले के मज़े लीजिए। तो हमें तो झूला झूलने में बहुत मज़ा आ रहा था। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये मेला घूम के कैसा लगा और ये व्लॉग कैसा लगा। तो अभी तो हमने आधा मेला ही घूमा है, अभी मेले में बहुत कुछ है देखने को, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड कॉमेंट जरूर करना कैसा लगा।